था दो था दो था था था। ये दोन पे आने वाले चेक। आई जी एम और वो भाई किसने बताया था अस्सलाम वालेकुम गाइज वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले तो भाई आज का कंटेंट सबसे चेंज है सबसे चेंज इस वजह से है कि ये कस्टम रूम का गेम प्ले है ये हमारे एक दोस्त थे कोयटा के तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी बंदे ऐड है और हम डेली कस्टम रूम्स करवाते हैं और हमने एक पोल चलाया था कुछ क्रिएटर्स का हमने पोल चलाया था कि भाई आप लोग किस क्रिएटर को पसंद करना चाहते हो जो कि हमारा कस्टम ज्वाइन करे तो काफ़ी बंदों ने मेरा उनको कहा था काफ़ी मतलब परसेंटेज ज़्यादा थी मेरी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई एक कस्टम रूम आपने खेलना है और इसमें आपको जो भी बंदा मारेगा हम उसको यूसी देंगे यूसी का मुझे नहीं था पता कि कितने यूसी अवार्ड रखा था मेरे सर की बोली समझो लगी हुई थी मतलब मेरा नोक फिनिश होने वाला बिल्कुल चांस था ही नहीं अगर कोई मुझे मार देता तो सारा सीन खराब सारा मजा खराब हो जाता तो भाई आपने इस वीडियो में देख रहे यार हमने कैसे सर्वाइव किया भाई कितने बंदे होते लास्ट सर्कल में तो हम उसके हिसाब से खेलेंगे देखो जब हमारी सर की बोली लगती है तो भाई पर हम फुल तसली से खेलनी होती है यहाँ पर इवेंट पे बहुत ही पैनिक सीन बन जाएगा मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पर नॉक फिनिश हो जाएंगे सिर्फ आपका भाई रह जाएगा लेकिन इज़्ज़त का जब सवाल होता है तो फिर आपका भाई किसी को कंटेंट नहीं देता और भाई पैसे तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करने थे तो यहाँ पर सीन ये हुआ कि हमें यहाँ पर आ, मतलब ये मैप में शो हुआ कि ये साइड पर बंदा है तो जैसे मैंने देखा मुझे बंदा स्पॉट हो गया मुझे पता था कि ये बंदा इतना दूर क्यों गया है क्योंकि ये जो सामने दो आपको रॉकेट नजर आ रहे हैं ये रॉकेट पे उड़ के फिर इस इवेंट के फुटबॉल के ऊपर बैठ जाते तो खैर उससे पहले हमने इसको स्पॉट कर लिया था और यहाँ पर हम इसको नॉक फिनिश मज़े से कर लेंगे अब इसके बाद यार इवेंट पे छः बंदे और आ चुके थे दो बंदे कैंप कर रहे लोकेशन नहीं बता रहे और चार बंदों की लोकेशन हमें पूरी स्पॉट हो चुकी थी जो कि सामने नीचे थे मेरे टीमेट्स मुझसे पहले ही पहुँच चुके भाई किल करने ही नहीं दे रहे थे भाई ऐसे घुस घुस के मारे थे और देखो यार घुस घुस के जो मारता है ना वो मर भी जाता है अब दो इन्होंने नॉक कर लिए थे दो और रहते थे तो जैसे ही मेरा एक टीमेट की तीसरे को नॉक कर दिया और चौथा यार लाला जो करीब गया भाई नॉक के साथ उसने ऑन द स्पॉट फिनिश कर दिया लेकिन यहाँ पर हमने इन चारों को चारों को मार दी इनका रिकॉल था वापस रिकॉल हो जाएंगे तो अब हमारा जो है सीन यहाँ पर यह हुआ कि इधर हम प्रॉपर लूट कर लेते हैं मैंने कहा था सल्ली से लूट करेंगे अब यहाँ से निकलने की करेंगे वो जो दो बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं लेकिन ये सीन हुआ कि भाई जैसे हम गाड़ी में बैठते यार एकदम से उन्होंने सरप्राइज़ कर लिया था जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक सीन बन गया मेरे दोनों टीम मेट्स यहाँ पर नॉक फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मैं सर्वाइव करूँगा और यार आपको पता है भाई कस्टम रूम्स में काफ़ी एम एस हाई होती है और बहुत ज़्यादा बंदे डिले बहुत ज़्यादा होते हैं आपके सामने अभी भी एट्टी फाइव बंदा अलाइव है मतलब कि एंड में पर आपको पता है नेट नहीं चलता और यही सीन अभी मेरे साथ यहीं पर भी होगा उसके बाद जिधर मेरी फाइट होगी उधर भी यही सीन होगा तो भाई जैसे हम करीब जाते यहाँ पर एकदम मेरा एक टीमेट नॉक हो जाएगा तो इसको रिवाइव जैसे ही करेंगे भाई पर फिर मोल्ट ऑफ कर लेते मैंने टीमेट को भी नॉक कर लेता मतलब पैनिक सी, सीन जो है वो क्रिएट हो रहा था यार गैस आज आपकी भाई को जुकाम भी है जिसकी वजह से ठीक से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा लेकिन खैर आई ट्राइड ऑलवेस्ट माई बेस्ट तो जैसे ही मैंने स्मोक किया मैंने कहा भाई मैं पुश करूँ तो पता नहीं ये मोल्ट ऑफ कहा से आई भाई आग जल रही थी इतने में वो जो टीममेट था वो वापस नोक हो गया और हमारे बीके भाई भी नोक हो गए और भाई इधर अब एम एस आई हो जाएगा तो सीन खराब होना था सबसे पहले मैं यहाँ पर चुपके के मैंने जल्दी से हद लगाई और ये बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़े हुए थे तो एक एक करके मारेंगे अब इस बंदे को देखने यार कवर में जैसी हेड पड़ता है ये बंदा कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि भाई हम के हैं तो भाई इसको देखो ये पहले से प्री फायर काफ़ी करवाया इसके बाद जैसे इसका रिलोड आ गया इसको हेड पड़ा और ये मेरे करीब आने वाला था अपनी मॉल से जल गया तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से इसका मैं किल सिक्योर करूँगा क्योंकि मैं इधर काफ़ी कन्फ्यूज हो गया था मैंने बोला भाई कॉन्टेंट नहीं देना ना अब ये जो बंदा है इसके साथ थोड़ी सी फाइट लंबी जाने चलिए यहाँ पर आप मेरी एम एस चेक कर सकते हो टू थर्टी नाइन हो गया और फिर एकदम से नेट ही चला गया था मेरा जिसकी वजह से मेरा इस प्रॉपर वन वी वन यहाँ पर नहीं हुआ मैंने काफ़ी प्री फायर देने की कोशिश की और वो भी पुश नहीं कर रहा था तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा बैक एंगल पर रुक के तसली से हम जो है फाइट ले लेंगे ऐसे एकदम से मतलब घुसने वाला काम नहीं करना है बहुत तसली वाली गेम खेलनी थी मैंने यहाँ पर मैंने रुक के अपने बूस्ट भी किया ठीक है फिर मैं नेट्स भी ट्राई किया और पबजी का यार न्यू ग्लिच आया एक तो आप नेट करो वो पहला नेट अगर आप करो ठीक होगा ठीक है उसके बाद अगर दूसरी बार आप नेट कुक करने की कोशिश करो तो काफ़ी दफ़ा टैप करना पड़ता है फिर जब आप टैप करते हो ना वो डबल टैप हो जाता है जिसकी वजह से नेट छूट जाता है जैसे कि मेरे मेरे से अभी यहाँ पर छूट गया था तो ये बंदा भी मुझे घुमा रहा था अब मैंने कहा यार इससे बिल्कुल मरना भी नहीं है अब यहाँ पर मैं बूस्ट पूरी करूँगा और आपके भाई का नेट चेक करना है भाई आपके भाई को ऐसी लोग ग्रेनेडियर नहीं बोलते एनिमी के माइंड से खेलते सारा काम हेडफोन्स का मुझे पूरा वो इसकी लोकेशन का अंदाज़ा हो गया था कि किस एंगल पे रुका रुका हुआ है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ एमोज मंगवाऊँगा क्योंकि मेरे पास एमोज़ थी नहीं अब सिर्फ वन वी वन की फाइट है उसके बाद हम डायरेक्ट सर्कल में जाएंगे हमने मरना किसी भी बंदे से नहीं था इस वजह से तो यहाँ पर भी आपका भाई नेट कुक कर लेता है एनिमी की लोकेशन मुझे प्रॉपर स्पॉट थी तो इस बंदे ने भी नेट कोक किया था लेकिन मेरा नेट इससे पहले कुक हुआ था और एकदम से ये पट गया यहाँ पर ठीक है तो इसका भी हम किल सिक्योर कर लेंगे अभी आपके भाई के यहाँ पर दो किल्स हो गए अब हम डायरेक्ट यहाँ से लूट करके सर्कल की तरफ जाएंगे अब मेरा रिकॉल था लेकिन मेरे टीममेट्स का रिकॉल नहीं था और बंदे आपके सामने स्टिल 84 फोर बंदे अलाइव है तो सामने जो कंपाउंड ये मेरी फेवरेट जगह यहाँ पे अक्सर मैं मतलब फाइट मजे से ले लेता तो। हूँ मेरी फेवरेट जगह यहाँ पर दो गाड़ियाँ लगी हुई थी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बंदे स्पॉट करता हूँ कि कितने बंदे हैं मुझे जब बंदों का अंदाज़ा हो जाता है फिर उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ इन पर पुश करूँगा तो एक बंदा इनका नीचे था दो ऊपर थे दो नीचे थे दो ऊपर थे एक कंपाउंड में था एक बैग शेख में था ऐसे मैंने नॉक करने की ट्राई की लेकिन वो बिल्कुल ना पिक करवा रहे थे आराम से बैठे हुए थे वो गाड़ी से अंदाजा हो जाता है भाई कि ये एम है क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा मेरे फैंस थे जो कि मेरी वीडियोज़ देखते हैं कि भाई मेरे पास कौन सी गाड़ी का स्किन है हर एक चीज़ का पता होता है भाई लव यू हो गया सब फैंस का दिल से रिस्पेक्ट है जो जो भाई भी सपोर्ट करता है दिल से रिस्पेक्ट है और यार ये वीडियो को लाइक कर दो और जो भी न्यू है लाजमी सब्सक्राइब करना है अब यहाँ से मैं इस वजह से निकल गया मैंने कहा यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है यहाँ पर सीन खराब होगा मैं अलग लोकेशन पकड़ लेता हूँ और फिर अपने टीम को कहता हूँ कि आप लोग करीब आओ यहाँ से आपका भाई फुल एडियस देगा तो भाई जैसे मैं इस लोकेशन पर आता हूँ सबसे पहला बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है तो इसको मैं स्प्रे दे नॉक कर लूँगा इसके बाद हमारी टीम पुश करेगी अब यार ¡Gracias! जैसे सबको पता है यार रूम्स में काफ़ी डिले होता है और फिर जब बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिले होते तो इस रूम में एक तो एम का इशू था और फिर डिले इतना ज़्यादा था और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैं और रूम्स भी बनाऊँ जिसमें मैं कुछ ऐसे चैलेंजेस रखूँगा आप सबके लिए जिसकी मैं मतलब कोई सीन बनाएंगे इंस्टा पर या कहीं और पर मैं स्टोरीज लगाऊँगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम अब मैंने कम कर दिया पूरे हफ्ते में दो दिन लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा डेली लाइव स्ट्रीम बिल्कुल नहीं करेंगे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट भी अपलोड करेंगे लाइव स्ट्रीम का ये सीन किए उसकी वजह से हम कंटेंट अपलोड नहीं कर पाते ठीक से तो अब इनका एक बंदा नॉक था वो वापस शायद रिवाइव हो चुका था तो दो मेरे टीम ने नॉक किए थे तो अब यहाँ पर आपके सामने भाई नेट का क्या है मैं बार बार टैप कर रहा हूँ नहीं हो रहा था फिर डबल टैप हो गया और नेट जे सीख गया अब नेट से तो बंदा फुट जाता है और यहां पर मेरा टीम भी नॉक था तो मैंने कहा भाई एक और नेट ट्राई कर लेते यहां पर अब कस्टम रूम्स का ये सीन है यार जब आपके फेवरेट क्रिएटर आता है और जब उस पर बोली लगी होती है ना तो हर बंदा चाहता है कि यार इसको मैं मारूं और वो प्राइस पूल में जीतूं लेकिन यार हमने काफ़ी कोशिश की देखो सबसे पहले हमने ये लोकेशन पकड़ी थी मुझे अंदाजा था कि भाई ये सर्कल का मिड है और अक्सर सर्कल जो है मतलब देखते हैं हम ना फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट हमारी जो है ना रोटेशन काम आती है कि भाई कौन से एंगल पे पकड़ना है तो एंड तक सर्कल यहीं पर होगा अब सर्कल क्या टोटल मिड में है बंदे काफ़ी अलाइव है लास्ट सर्कल की फाइट देखनी है भाई हमने कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करना था वैसे अगर हम पुश पुश के लिए खेलते मतलब फुल पुश के लिए खेलते तो हमारे बहुत ज़्यादा किल्स होते लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी किल्स थे ट्वेंटी प्लस किल्स थे कस्टम में हमने आराम से खेले तसली से खेले किसी को किसी से मरे नहीं है और जो भी टीम पुष कर रही थी उसको हम एक एक करके मार रहे थे अच्छा जब किस्मत में किल्स हो तो बिल्कुल मिलते नहीं अब यहाँ पर मेरे एम फोर थी और एम फोर में फोर एक्स लगा हुआ था तो इस दो बंदों को मैं इजिली यहाँ पर नॉक कर सकता था बग्गी से उतार सकता था लेकिन यार एम फोर से वापस ग्रोजर स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा डिले था जिसकी वजह से दो रोक मेरे टीमेट्स के खाते में चले जाते हैं लेकिन खैर कोई नहीं हमने बस सर्वाइव करना है एंड तक चिकन ही निकालना था हमने और मेरा मरना बिल्कुल मरना ही नहीं था और आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि यार आपको इस टाइप के और कंटेंट चाहिए और अगर आप लोगों ने कस्टम रूम्स खेलने तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दो ताकि उसके हिसाब से फिर मैं प्रिपेयर हो जाऊँ और मतलब कि कोई सीन बनाओ जिसमें हम कस्टम के लिए आप मेरे साथ खेलो और मुझे मारने पर हम कोई यूसी वगैरह का गिव अवे रख दे तो ऐसा सीन करना है अब यार लास्ट सर्कल पे हम डायरेक्ट आएंगे यार बहुत बंदे मर गए थे और मेरे किल्स फ़िलहाल पाँच ही थे तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्कल का जो ये डिप है ये सबसे बेस्ट जगह होती है अगर आपका जो ये सामने वाला एंगल पूरा क्लियर क्लियर हो जाए ना और सर्कल यहाँ पर हो ये इतनी प्यारी जगह है कि आप सोच नहीं सकते तो ये लोकेशन हमने पकड़ लिया अब आराम से मैंने सामने मेरे टीम्स ने कहा किस एंगल पर बंदे तो मैंने दो बंदों को पुष्प के लिए भेज दिया ऐसे मैं प्रॉपर कवर दूंगा जब वो करीब गए और फिर भी वो नहीं निकला तो मैंने कहा अब इजी सीन है अब आराम से जो है रुकते हैं बाकी जो बंदे थे ना मुझे सामने स्पॉट हो चुके थे तो सबसे पहले ये नॉक था इसको मैं फिनिश कर लूंगा पता नहीं किसका किल था अब सामने बंदे है और हमारे बैक पर बंदे है और जो एक बंदा है वो शेक में था तो भाई इस बंदे को भी मैंने हैवी स्प्रे दे करके नॉक कर दिया अब इसका जो लास्ट बंदा था वो मेरा टीम में टन नॉक कर लेता है अब टोटल नौ बंदे रह गए थे हमारे साथ आ, मतलब कि एक किल सिक्योर हो गया उधर वो वाला भी किल सिक्योर गया अब सात बंदे रह गए थे तीन बंदे टोटल थे दो सामने होंगे लास्ट बंदा आई थिंक सो शेख पर या पर मैं नॉक हो जाता हूँ लेकिन बचत हो जाती है आपका भाई फिनिश होता नहीं है हाँ रिस्क, रिस्क नहीं ले रहा कवर मेरे रह के भाई बंदा राइट पे नहीं छोड़ इसको तो ने अच्छा स्प्रे थी लेकिन काफी लेट था ब्याह से मैंने टीम को यार जल्दी से इसको फारिग कराओ फिनिश कर दो क्योंकि ये एक लास्ट बंदा अगर ओपन एरिया अगर किसी और एंगल से मुझे किसी ने भी मार दिया तो यहाँ पर यार पूरे कंटेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी लास्ट बंदा रह गया था बाकी सारा एरिया ओपन में था लेकिन पूरे सर्कल में मतलब इसी पूरे एंगल में सिर्फ एक ही शेक था जो कि लेफ़्ट पर है तो कंफर्म बात हो गई थी कि भाई बंदा यही पे मुझे स्पॉट हो गया था तो अब यहाँ से पहले मैं नेट स्ट्राइक करने की कोशिश की कि भाई नेट परफेक्ट जाता है या नहीं उसके बाद फिर मैं देखता हूँ यार ये नेट कन्फर्म आगे नहीं पहुँच रहा था रिस्क नहीं लेना था तो मैंने कहा भाई शूज़ के करीब जो है ना शूज़ यूज़ कि इसके करीब जाते हैं उसके बाद यहाँ से आपका भाई नेट करवाएगा डायरेक्ट लास्ट बंदा था हमने कहा यार नेट से मार रहे थे मेरे टीम मेट्स थे इसको एमोट कर रहे थे तो यहाँ पर जैसे ही ये नेट पड़ता है तो ये भी गया तो भाई इस तरह की भाई चिकन डे आपके भाई का चिकन डिनर हो गया और किसी को कॉन्टेक्ट नहीं दिया माजरत के साथ आज की वॉइस ओवर मजे की नहीं थी क्योंकि ज़ुकाम है आपको पता है नाक बंद होता है ना तो ठीक से वॉइस ओवर नहीं कर पाता तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और यार जो भी न्यू है सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि यार आपको कस्टम रूम्स खेलने हैं जिसमें मैं खुद भी खेल सकूँ तो और लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है तो बस आज की वीडियो यही तक थी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ